विधानसभा उपचुनाव में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस क्षेत्र को 4 जोन और 38 सेक्टरों में बांटा गया है जहां 220 पोलिंग स्टेशन और 435 बूथ बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इनमें 12 क्रिटिकल बूथ, 10 मॉडल बूथ और 1 पिंक बूथ शामिल है। इस चुनाव में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में है जिनमें बीजेपी से दीपक पटेल और सपा से मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी के बीच मुख्य मुकाबला हो रहा है। आपको ये भी बताते चलिए कि डीसीपी सिटी अभिषेक भारती ने पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और बताया कि मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, कोई शिकायत नहीं है और पोलिंग केंद्रों में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। देखिए रिपोर्ट। ये फूलपुर हमारी जो सीट है यहाँ पे मानक के अनुसार सभी पोलिंग सेंटर्स और पोलिंग बूथ पे पुलिस बल को लगाया गया है, पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल भी लगाया गया है और सभी जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और उनके साथ में भी पुलिस बल जो है भ्रमणशील है और हम लोग भी जितने उच्च अधिकारी हैं सभी लोग जो हैं सभी जगह पे घूम के सुरक्षा व्यवस्था को चेक भी कर रहे हैं और सुनिश्चित भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई यहाँ पे कोई भी ऐसी सूचना नहीं है, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और सभी जितने मतदाता हैं वो शांतिपूर्वक आके अपना वोट जो है वो डाल रहे हैं और वापस सब कुछ ले जा रहे हैं।